ये CRSU यूनिवर्सिटी का MSc मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर का इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का फाइनल एग्ज़ाम है रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, शो डेट द फंक्शन UX इज इक्वल टू 1 - x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दिस 0 to x e^(x-t) (ut)(dt) इज इक्वल टू x। कंपल्सरी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है ये। सेकंड कंपल्सरी क्वेश्चन है, डिफाइन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। थर्ड है, स्टेट हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम। स्टेट फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। डिफाइन आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। डिफाइन सिमेट्रिक कर्नल विद एग्जांपल। डिफाइन अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। डिफाइन वीक एक्सट्रीमम। यूनिट 1 में क्वेश्चन सेकंड ए है, डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। बी पार्ट है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x e^(x-1) (μt)dt। थर्ड का ए पार्ट है, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। बी पार्ट है, यूज द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यूनिट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू अ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको उसे फ्रेडहोम में चेंज करना है। बी पार्ट है, ऑब्टेन द इटरेटेड कर्नल्स फॉर द फॉलोइंग कर्नल kxt इज इक्वल टू ex cos t a इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू पाई। फिफ्थ है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेबल कर्नल टू सॉल्व ux इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट बी पार्ट है, यूजिंग द फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ दिस। सिक्स्थ है, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d²μ/dx² + λμ = x, μ 0 है, μ π/2 भी 0 है टू एन इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग ग्रीन फंक्शन। सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीन फंक्शन दिस। एट्थ है, फाइंड द सरफेस ऑफ लिस्ट एरिया स्पेंड बाय अ गिवन कॉन्टूर। बी पार्ट है, डिस्कस द मोटिवेटिंग प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। नाइन्थ का ए पार्ट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी लाइंग ऑन द सरफेस दिस। एंड बी पार्ट है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दिस। ये हमारा COV का क्वेश्चन पेपर है, इंटीग्रल इक्वेशन और एंड COV कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन पेपर है सेशन 2022 के लिए, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का।